स्वागत है आपका एज इवेंटस में। आज अपन बात करें भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे ओडीआई के बारे में। तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारे मेगा ग्रैंड के लिए ट्रम्प प्लेयर, जिससे कि अपन लाखों रुपए विन कर सकते हैं। साथ में जानेंगे पिच रिपोर्ट और इस वेन्यू पे मैच हो जाने किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। साथ में पेसर को ज्यादा विकेट मिलेंगे स्पिन, और सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में बताने वाला हूँ मेगा ग्रैंड लीग के लिए बेहतरीन ट्रम्प प्लेयर। लास्ट मैच में मैंने आपको बताया था अर्शदीप सिंह और एंड्रू फ्लुकाय आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे, और दोनों ही प्लेयर शानदार हमें इस मैच में विन कराए। हालांकि इस मैच में कुछ ज्यादा ही बॉलर चल गए थे, क्योंकि बैटिंग एकदम से कोलेप्स हो गई थी साउथ अफ्रीका की। ठीक है, ऐसा कमी देखने को मिलता है ठीक है ओडीआई मैच पे। तो इस मैच में बताऊंगा किस प्रकार से आपको प्लेयर को रखना है, सीवीसी किसे रखना है, लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर को किस प्रकार से रोटेट करके आप मेगा जीएल और मिनी जीएल में बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलते हैं पिच की तरफ। मैच खेला जाएगा सेंट जॉर्ज पार्क कुकुब्रा में, कुकुब्रा का ये मैदान। यहाँ देखो जो मैच हुए हैं रिसेंट में वो ओडीआई के मैच कम हुए हैं। ठीक है, ये ओडीआई के मैच है 2019 के। यहाँ देखो श्रीलंका की टीम 189 पे ऑल आउट हो जाती है, जिसको साउथ अफ्रीका चेज कर जाती है। 8 विकेट पेसर को मिलते हैं, 5 विकेट मिलते हैं इस गेम में स्पिनरों। इससे पहले साउथ अफ्रीका 266 बनाती है 2 विकेट के नुकसान पे। पाकिस्तान की टीम स्कोर को चेज कर जाती है, 4 विकेट पेसर को मिलते हैं और स्पिनर को मिलता है 3 विकेट। यहाँ भारतीय टीम 274 बनाती है 7 विकेट के नुकसान पे, और साउथ अफ्रीका 201 रन पे ऑल आउट हो जाती है। 8 विकेट पेसर को मिलते हैं, 6 विकेट मिलते हैं स्पिनर। तो काफी एक एवरेज सा स्कोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ज्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू भी नहीं, इतना लोअर भी नहीं है, यानी एक अच्छा मैच होने की उम्मीद है। लास्ट मैच हालांकि बहुत ही ऐसा हुआ था, क्योंकि पिच एकदम से रद्दी हो चुकी थी। ठीक है, बॉल एकदम से, स्पिनर की बॉल भी एकदम से नहीं उठ रही थी, एकदम से नीचे रह रही थी, और पेसर की बॉल भी काफी ज्यादा स्विंग कर रही थी, अंदर आ रही है, स्पंज बाउंस था पिच में। इस वजह से बैटर्स को काफी तकलीफ हुई, लेकिन इस मैच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक ठाक सा पिच मिलेगा, अच्छे रन बनेंगे, 250 से 300 के बीच में आपको स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में पेसर और स्पिनर दोनों को यहाँ पे सफलताएं मिलती है पहले के मैचों के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो रिसेंट की पिच रिपोर्ट वगैरह होगी वो मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन करना ना भूलें। साथ में मेगा जीएल के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ देखो लास्ट मैच में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका की टीम तो जीतती है, बैटिंग करती है, 116 रन पे ऑल आउट हो जाती है। भारतीय टीम स्कोर को इजीली चेज कर जाता है। ठीक है, ड्रीम टीम में देखो लोकेश राहुल आए थे केवल कीपिंग से। ठीक है, साई सुदर्शन, श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली थी। इसके अलावा टीडे जॉर्जी और ऋतुराज गायकवाड ने रन नहीं बनाए थे, एक कैच की वजह से ड्रीम टीम के मेंबर बन गए थे। यहाँ फ्लुकायो, वैन मल्डर और एडन माक्रम नजर आएंगे। बॉलिंग पूरी भारतीय टीम की आई थी, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, कुलदीप यादव, यानी अक्षर पटेल को तो बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला था इस गेम में। ठीक है, लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर्स थे ये दोनों ही। ठीक है, वैन मुल्डर, एंड्रू फ्लुकायो, वो देख लो टीजे जोड़ जाए, यानी कि लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किस प्रकार से आपको उनको रोटेशन करना है, अगर आपको जीएल जीतनी है तो वो प्लेयर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनी जीएल में भी आपको 2 या 3 प्लेयर में ऐसे बता दूंगा प्लेयर के साथ रोटेट करना कि आप 100% विन कर पाओगे। यहाँ देखो आप 92 मैच हुए अभी तक ओडीआई के दोनों टीमों के बीच, 39 भारतीय टीम ने जीते, 50 साउथ अफ्रीका। यहाँ साउथ अफ्रीका आपको आगे दिखेगी, लेटेस्ट की अपन बात करें तो 5 में से 4 बार भारतीय टीम जीती है, साउथ अफ्रीका केवल 1 बार जीती है। तो भारतीय टीम यहाँ पे आपको मजबूत नजर आ रही है, काफी अच्छा खेल रही है। अब देख लेते हैं भारतीय टीम की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। ऋतुराज गायकवाड के साथ ओपनिंग करेंगे साई सुदर्शन, उसके बाद रजत पाटीदार खेलेंगे, तिलक वर्मा, लोकेश राहुल, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, अर्शदीप सिंह और आवेश खान आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा श्रेयस अय्यर इन अगले 2 मैचों के लिए टीम में नहीं है। ठीक है, इनको स्क्वाड में नहीं है अगले 2 मैचों के लिए, अब चोट की वजह से नहीं है, किस वजह से नहीं है अभी टीम ने कन्फर्म नहीं किया। इसके अलावा टीम हो सकता है टीम रिंकू सिंह को मौका दे दे, रजत पाटीदार को थोड़ा वेट करवाए, अभी ऐसा भी हो सकता है इस मैच में। यहाँ अपन देख लेते हैं रिकॉर्ड इनके, 58, 123, 32, 10 और 5। रिसेंट फॉर्म शानदार, अच्छा प्लेयर है, टेक्निकल सॉलिड बैटर है। ठीक है, टिक्कर खेलता है, ज्यादा टाइम लेता है, उसके बाद सेट होने के बाद अच्छी पारी है ओडीआई में खेल सकता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। साई सुदर्शन लास्ट मैच में बहुत ही शानदार इनिंग खेला था, 125, 8, 15, 12, 21, 14, यानी लिस्ट मैच में लास्ट कुछ मैच अच्छे खेल के नहीं आ रहा था, लेकिन लास्ट पहले मैच में अपने डेब्यू मैच में शानदार इसने हाफ सेंचुरी लगाई है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, काफी अच्छा सॉलिड बैटर है। रजत पाटीदार को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है इस मैच में, 64, 70, 31, 0, 77, 73, शानदार फॉर्म से आ रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, तिलक वर्मा 11 रन 1 विकेट, 12, 7,
नॉट आउट, 31 नॉट आउट, 29-0 लास्ट मैच में एक रन बनाया था, नॉट आउट रहे थे, ठीक है, उससे पहले डक पे आउट हुए। लेकिन ऐसे प्लेयर आपको जीएल जिता सकते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट डाउन, क्योंकि हो सकता है देखो किसी मैच में अगर टॉप ऑर्डर में से अगर एक आधा विकेट गिरता है तो मिडिल ऑर्डर का अच्छा परफॉर्मेंस करने के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। लोकेश राहुल को देखो आप, 39-21-8-102, 39 नॉट आउट 66, ये शानदार प्लेयर है, प्लस में विकेट कीपिंग भी यही करने वाला है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संजू सैमसन से विकेट कीपिंग नहीं करवा रहे, ठीक है। सैमसन को देखो आप, 15-1-35 नॉट आउट 128-29, ये भी अच्छी फॉर्म से आ रहा है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है संजू सैमसन का, ठीक है। बाकी ट्राई भी कर सकते हो, बाकी थोड़ा हाई रिस्की रहेगा क्योंकि कीपिंग भी केएल राहुल ही करने वाला है। अक्षर पटेल को देखो आप, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 17+0, अच्छा प्लेयर है, ठीक ठाक विकेट निकालता है, अच्छी बैटिंग भी करके दे सकता है, ठीक है। अक्षर पटेल के बाद है वो कुलदीप यादव, काफी इंपोर्टेंट प्लेयर है भाई, हमेशा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट विकेट निकालता है, और वैसे भी हर मैच में इसके विकेट आजकल आ रहे हैं, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 1 विकेट 5 विकेट 1 विकेट, शानदार प्लेयर है, इंपोर्टेंट रहने वाला है। लास्ट मैच में तो इसको वो पेस बॉलर ज्यादा विकेट ले गए थे, अगर मौका रहता तो इसको भी बहुत सारे विकेट मिलने के चांस रहते। मुकेश कुमार को देखो आप, 1 विकेट 1 विकेट, उसके बाद 0-0 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, बीच में अच्छे विकेट मिले, उससे पहले कम विकेट मिले थे, बाकी इतना विकेट टेकिंग गेंदबाज है नहीं अभी तक के जो इसने मैच खेले उनके अकॉर्डिंग, हालांकि बीच में विकेट अच्छे मिले, लेकिन 1-2 विकेट ये भी अच्छे निकाल सकता है। अर्शदीप सिंह को देखो आप, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 1 विकेट, लास्ट मैच में पंजा खोला है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इसका रिकॉर्ड हमेशा बेटर रहता है, इसलिए मैं बोला था आपको अर्शदीप सिंह अच्छा पिक रहने वाला है। आवेश खान को देखो आप, 0 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0, लास्ट मैच में 4 विकेट मिल गए, लेकिन उससे पहले के आप रिकॉर्ड देखो इतने ज्यादा विकेट नहीं मिलते। बाकी देखो ये इंडियन पिच नहीं है, ये साउथ अफ्रीकन कंडीशन है, तो यहाँ पे देखो पेसर को एडवांटेज रहेगा, तो अच्छे विकेट फिर से आपको निकालते हुए नजर आएंगे। इनमें से यूजी चहल को टीम मौका दे सकती है, लेकिन टीम का अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो शायद यही टीम खेलने वाली है। इसके अलावा रिंकू सिंह को टीम जरूर ट्राई कर सकती है, अगर वहां रजत पाटीदार को मौका नहीं मिलता है, तो दोनों प्लेयर शानदार फॉर्म में इंपोर्टेंट रहने वाले। साउथ अफ्रीका की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है, रिजा हेंड्रिक्स के साथ ओपनिंग करेंगे टीजे जॉर्जी, राशि वेंडर डूसन, रेडन माक्रम, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, वैन मल्डर, एंड्रू फ्लुकायो, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर और तब्रेज शम्सी आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा टीम चेंज ये कर सकती है, बर्गर का इतना अच्छा रहा नहीं है सिस्टम, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है, तो टीम ओ बारिंटन को ट्राई कर सकती है, अच्छा प्लेयर है ये भी, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, ठीक है। इसके अलावा बैटिंग सेम ही रहने वाली है, रिसेंट फॉर्म देखो आप, 28-0-85-12-49-8-0, भाई फॉर्म अच्छी थी बंदे की, लास्ट दो गेम एकदम से डाउन रहे, बहुमा के निकलने के बाद इसको अच्छे खासे चांस मिल रहे हैं, लेकिन ये फिर से मौके को भुना नहीं पा रहा। उससे पहले बहुत ही शानदार फॉर्म में था रिजा हेंड्रिक्स, लेकिन जब भी दो मौके मिले इन दो मौकों का इतना फायदा इसने उठा नहीं पाया सीरीज पे, लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छा है तो ट्राई फिर से आप कर सकते हो। वेन्यू पे 8-45 रन+1 विकेट, पहले बॉलिंग करता था, आजकल बॉलिंग बिल्कुल भी टीम नहीं करवाती है। टोनी डी जॉर्जे को देखो आप, 68 नॉट आउट 143-32-40-12-11, लास्ट मैच में शानदार 28 रन बनाए थे, इंपोर्टेंट प्लेयर रहने वाला आपके लिए, ठीक है, नया प्लेयर है, हो सकता है कुछ अलग कर जाए, डिकॉक की जगह इसको मौका मिला है, ठीक है, क्योंकि डिकॉक अब रिटायर हो चुका है। राशि वेंडरसन को देखो आप, 1-21-133-13-76 नॉट आउट 6-0, लास्ट दो गेम डाउन है, लेकिन उससे पहले अच्छी पारी खेलता है, ओडीआई का बहुत ही अच्छा प्लेयर है, स्वेन्यू में भी एक मैच खेला है जिसमें 93 ने नॉट आउट कर रखा है, तो ये देखते हुए आप ट्राई कर सकते हो, शानदार पिक आपके लिए बन सकता है। माकरम 25-10 रन 1 विकेट 30 रन 1 विकेट 25+0 12, वेन्यू पे 29 और 32 रन बनाए, बड़ी पारी हालांकि नहीं आई है इसकी, कुछ मैचों से आप देखोगे तो ठीक है छोटी छोटी पारी खेल रहा है, लेकिन ड्रीम टीम का मेंबर हर बार बन रहा है। हेनरिक क्लासन 15 नॉट आउट 1-10-47 की अच्छी पारी, इसके अलावा 7-5-6 एक पारी इसने वेन्यू पे एक मैच खेला है जिसमें 39 रन है ओडीआई का, ठीक है, तो इतनी खास फॉर्म में हेनरिक क्लासन भी नहीं चल रहा है। देखो पहले अच्छा था वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप के बाद एक भी बार इसको इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं देखा है, विकेट जल्दी गंवा देता है। मिलर काफी इंपोर्टेंट प्लेयर बन सकता है फिर से आपके लिए, 101-3-0-2, उसके बाद 50-17-35-2, भारतीय टीम के अगेंस्ट इसका रिकॉर्ड अच्छा है, हमेशा अच्छा खेलता है, 16 नॉट आउट 36, आगे बात करेंगे अपन हेड टू हेड रिकॉर्ड में। वैन मल्डर को देखो आप, 1 विकेट 16+0 29 रन 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, और लास्ट मैच में भी 1 विकेट इसको मिला था, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, इंपोर्टेंट रहने वाला है। फ्लुकायो 0-0 39 रन 1 विकेट 10 रन नॉट आउट 0 विकेट 0 33 रन 1 विकेट, लास्ट मैच में निकाला था। इसके अलावा वेन्यू पे देखो तो 2 विकेट इसके अलावा 2 बार विकेटलेस भी रहा है। केशव महाराज 1 विकेट 0 4 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, लास्ट गेम में विकेटलेस है,
इतना ज्यादा विकेट लेस रहता नहीं है केशव महाराज, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बन सकता है। नंद्रे बरकर को देखो आप, 3 विकेट 0, 2 विकेट 0, 1 विकेट 1 विकेट 0। अब ये किस कंडीशन में आपके लिए उपयोगी हो सकता है बरकर, जब कंडीशन स्विंग वाली हो, ठीक है, स्टार्टिंग में स्विंग मिलती है ना, तब काफी इंपोर्टेंट बन सकता है बरकर, ठीक है। तबरे शमसी को देखो आप, 2 विकेट 1 विकेट 0, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट। वेन्यू पे इसको 1 विकेट 0, 3 विकेट, वेन्यू पे ठीक ठाक रिकॉर्ड है, ये देखते हो आप, ट्राई कर सकते हो तबरे शमसी को, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है। इसके अलावा ओ बारिंटन को देखो आप, 2 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट, अच्छा प्लेयर है, इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बाकी टीम लिजार्ड विलियम्स को भी ट्राई कर सकती है, जो T20 खेला था भारतीय टीम के अगेंस्ट, 0 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 1 विकेट 2 विकेट, इसके भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने, तो कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता है। ये लास्ट के जो 3 मैच हुए, ठीक है, जिसमें 2 T20 आई है और 1 है ODI। रिसेंट फॉर्म आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, रिसेंट हेड टू हेड भी आपके लिए अच्छा इंपोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है पहले अच्छी टीम के सामने परफॉर्मेंस की हो, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जो स्टार्टिंग में अभी जो रिसेंट में परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो प्लेयर आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, हेड टू हेड में भी, वेन्यू पर भी, वैसे भी, ठीक है। रिंकू सिंह अच्छा चला था, ठीक है, इससे पहले वाले मैच में भी अच्छा चला था, जो रिसेंट में है अगर खेलता है तो इंपोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा रिजा हेंड्रिक्स, तिलक वर्मा, ठीक है, इनकी तरफ से माकरम अच्छा चल रहा है, तबरेज शमसी, ठीक है, यहाँ से मुकेश कुमार दोनों मैचों में चला था T20 में, हालांकि पहले ODI में नहीं चला है। कुलदीप यादव काफी इंपोर्टेंट पिक बनने वाला है, कुलदीप यादव फिर से आपके लिए, इधर से आपको दिखेंगे मिलर माकरम महाराज, भाई लगभग बार ये परफॉर्मेंस दे जाते हैं, इसमें भी माकरम ड्रीम टीम का मेंबर था, हालांकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। पहले ODI की अपन बात करें तो अर्षदीप सिंह का अच्छा परफॉर्मेंस था, आवेश खान, कुलदीप यादव आपको यहाँ पे भी नजर आएंगे, श्रेयस अय्यर अच्छा खेलते हैं, लेकिन इस मैच में श्रेयस अय्यर है नहीं, तो श्रेयस अय्यर की अपन बात करेंगे नहीं। साई सुदर्शन का पहला मैच इनके अगेंस्ट अच्छा रहा है। इसके अलावा अपन देख लेते हैं, जो पहले सीरीज हुई है ODI की लास्ट सीरीज, उसको अपन देख लेते हैं। अय्यर कुलदीप यादव, अय्यर कुलदीप यादव नजर आएंगे आपको, अय्यर और कुलदीप यादव, भाई ये दो प्लेयर हमेशा चलते हैं। इसके अलावा सुंदर ने 1 मैच में 2 विकेट निकाल रखे हैं, सैमसन ने 1 में 86 बना रखे हैं लास्ट सीरीज में, जो करंट स्क्वाड में प्लेयर है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखोगे तो केशव महाराज, शमसी, हेनरिक क्लासन, मिलर क्लासन, केशव महाराज, यानी केशव महाराज शमसी भी आपको ठीक ठाक विकेट लेते हुए नजर आएंगे, खास करके केशव महाराज और डेविड मिलर हमेशा परफॉर्मेंस करते हैं, भाई हेनरिक क्लासन भी भारतीय कंडीशन में जाता है तब अच्छा खेलता है भारत के अगेंस्ट। यहाँ अभी तक के जो मैच हुए ना, तो T20 में इसका परफॉर्मेंस आया है ना पहले ODI में। यहाँ अपन देख लेते हैं इस मैच के लिए, जो आपके लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए पिक रहने वाले, इनको आपको ध्यान से समझना है किस कंडीशन में किस प्लेयर को लेना है, ये आपको ध्यान से समझना है। तिलक वर्मा, रजत पाटीदार, मुकेश कुमार भारतीय टीम की तरफ से, इनकी तरफ से तबरेज शमसी, डेविड मिलर और वेन मल्डर। अब देखो भारतीय टीम अगर बैट फर्स्ट करते है उस कंडीशन में, आपको इन दोनों प्लेयर्स में से आप दोनों को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, एक को भी ट्राई कर सकते हो, ये दोनों ही प्लेयर मिडिल ऑर्डर के बेटर है। देखो कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग के विकेट गिर जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर काफी रुक कर खेलता है, ODI ये काफी टाइम रहेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस आने के चांस है। बाकी ये दोनों ही प्लेयर शानदार पोटेंशियल प्लेयर है, इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है। इधर से मुकेश कुमार आपके लिए फर्स्ट में अगर बोलिंग करते हैं तब ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ओपन डेथ में इससे बोलिंग करवा सकती है टीम, अच्छे विकेट निकाल देते हैं, T20 में गेंदबाजी भी अच्छी करता है डेथ के अंदर, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इधर से तबरेज शमसी, डेविड मिलर, वेन मल्डर, ठीक है, ये पहले बैटिंग करो चाहे बाद में बैटिंग करो, ये तीनों ही प्लेयर्स आपको डिफरेंसली ट्राई करने, शानदार प्लेयर है तीनों ही, इंपोर्टेंट रहने वाले, ठीक है। ये ऑलराउंडर है, एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर है, एक बैटर डेविड मिलर को आप जानते हो हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो इनमें से देखो कोई भी ड्रीम टीम आप उठाकर देख लो किसी भी मैच की, ठीक है, हर मैच में लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर्स ही आपको मेगा जीएल या ओरो से डिफरेंट करोगे, तभी आप बहुत सा पैसा विन कर पाओगे। अगर आप मिनी जीएल खेल रहे हो तब तो आप यहाँ से 2 प्लेयर ट्राई करो डिफरेंसली, जीएल खेल रहे हो तो आपको 3 प्लेयर या 4 प्लेयर भी यहाँ से मिल सकते हो, और लगभग 90% मैचों में, जो मैं आपको ट्रम्प पिक बताता हूँ, हर मैच में इनमें से प्लेयर्स पिक होते हैं, ठीक है। अब ट्राई किस प्रकार करना, सीवीसी किसे रखना है, किस प्लेयर पे आप रिस्क ट्राई कर सकते हो, ये देखो यहाँ मैंने लोकेश राहुल को लिया है, यहाँ मैंने लिया हेनरिक क्लासन को, ठीक है, राशि वेंडे ड्यूसन, डेविड मिलर, रीजा एंड्रिक्स को मैंने लिया है, रजत पाटीदार, ऋतुराज गायकवाड़, 5 बैट्समैन लिए, हालांकि रिसेंट मैचों में बैटिंग इतनी चली नहीं है, आप चाहो तो फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो। यहाँ हेंड्रिक्स, तिलक वर्मा, साई सुदर्शन को मैंने लिया, डिफरेंसली मैंने प्लेयर्स को रखा है, ठीक है, आप पूरा टॉप ऑर्डर एक टीम का रख दोगे तो ऐसा कम बार देखने को मिलता है कि चलता है, लेकिन हालांकि रिसेंट मैचों में भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर कई बार ऐसा भी चला है, तो आप एक आध टीम में ऐसे भी ट्राई करना, देखो डिफरेंसली आप टीम बनाओगे तो काफी अच्छा विन करने के चांस है। एंड्रू फ्लुकायो, वेन मल्डर, माकरम, पटेल और एंड्रू फ्लुकायो को मैंने रखा है, ठीक है,
यहाँ केशव महाराज, कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह, केशव महाराज, कुलदीप यादव, हर्षदीप सिंह और मुकेश कुमार, इस प्रकार डिफरेंस लिए आपको प्लेयर रखने हैं। ये तीनों बॉलर मैंने दोनों टीमों में सेम रखे हैं क्योंकि हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ इंपोर्टेंट प्लेयर है आपके लिए। सीवीसी के लिए मैं बता दूं, अगर भारतीय टीम बेट फर्स्ट करती है तो आप गायकवाड़ या केएल राहुल थोड़ा नीचे खेलने आएगा, तो आप वीसी के लिए ज्यादा ट्राई करें, ठीक है। इसके अलावा वीसी के लिए आप कुलदीप यादव, सीवीसी के लिए आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही शानदार प्लेयर है, कभी भी अच्छे विकेट ज्यादा निकाल सकता है। इसके अलावा इनकी तरफ से आप देखोगे तो रिजा हेंड्रिक्स, हालांकि कुछ मैचों से फ्लॉप चल रहा है, तो ये देखते हो आप वीसी ट्राई करो, कैप्टनसी की इतनी बड़ी पारी भी ये शायद कम ही खेलता है, ठीक है। इसके अलावा डसन को आप ट्राई कर सकते हो, बड़ी पारी ये कई बार खेल जाता है। वीसी के लिए आपके लिए ऑप्शन रहने वाला है भारतीय टीम की तरफ से, फिर लेना आप जब पहले बॉलिंग करते हो उस कंडीशन में आप हर्षदीप को फिर से वीसी ट्राई कर सकते हो। जी हाँ, हर्षदीप चांद बहुत ही शानदार प्लेयर है, ठीक है। हालांकि बीच के कुछ मैच अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन आप अच्छी फॉर्म में दिखा रहे लास्ट गेम से, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रकार डिफरेंस ले आप प्लेयर्स को सीवीसी भी रखोगे, रोटेट करोगे, तो काफी ज्यादा आपके विन करने के चांसेस है। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।